हेलो क्लास नाइन्थ, आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर फोर, आपका मैथ का चैप्टर नंबर फोर, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों वाली रैखिक समीकरण। ओके, तो क्या है इस चैप्टर के अंदर? ये है आपका चैप्टर नंबर फोर, नाइन्थ क्लास, और चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो चरों वाली रैखिक समीकरण। ओके बच्चों, तो आप पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, रैखिक, दो चरों वाली रैखिक समीकरण। अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपको बोलूं कि वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल जिन्हें आप बोलते हैं चर, तो ये हो गए आपके एक्स वाई जेड डॉट डॉट डॉट, ये हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। और लीनियर का मतलब क्या होता था, लीनियर रैखिक, इसका मतलब हो गया पावर घात एक। जैसे मैंने लिखा ना एक्स प्लस वन, तो इसकी पावर क्या है, वन है, तो ये हमारे पास पावर क्या हो गई, वन हो गई। तो इन इक्वेशनों के अंदर वेरिएबल तो दो होंगे, मतलब एक्स वाई या वाई जेड, ऐसे दो वेरिएबल यूज होंगे और उनकी पावर कितनी होगी, वन होगी। और तीसरी चीज है इक्वेशन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, समीकरण। इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि किसी चीज के बराबर होना। जैसे मैंने x प्लस वन लिखा है, लेकिन ये इक्वेशन नहीं है, ये सिर्फ एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक है। अगर मैं इसी को लिख दूं x प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो ये किसी चीज के क्या हो गया है, इक्वल हो गया है। तो अब ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा इक्वेशन। ओके, तो आपको जो समझना है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहां पे आपके पास दो वेरिएबल होंगे और उनकी जो पावर होगी वो क्या होगी, वन होगी। ठीक है, अब ये इक्वेशन बनती कैसे हैं, इसको मैं समझाता हूं। जैसे मान लो दो हमारे पास कैरेक्टर हैं, एक है राम और एक कैरेक्टर है श्याम। हमारे पास दो बच्चे हैं, दो स्टूडेंट्स हैं, एक है राम और एक है श्याम। ये दोनों गए एक स्टेशनरी की शॉप पे, ठीक है, राम और श्याम दोनों के दोनों कहां जाते हैं, स्टेशनरी की शॉप पे जाते हैं। राम जो है वो खरीदता है तीन पेंसिल और दो रजिस्टर। कौन खरीदता है, राम खरीदता है। कितने रुपए में खरीदता है, इसके लिए खरीदता है वो 70 रुपीज में। मतलब राम गया एक स्टेशनरी की शॉप पे और उसने तीन पेंसिल और दो रजिस्टर खरीदे 70 रुपीज के। अब जो ये हमारे पास एक नॉर्मली एक हमारे पास डेली रूटीन का एक एग्जांपल है, हम इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कैसे बनाएंगे। श्याम को भी छोड़ देते हैं, ठीक है, राम गए, तो राम स्टेशनरी की दुकान पर जाता है, वहां से वो तीन पेंसिल और दो रजिस्टर खरीदता है और कितने रुपए देता है, 70 रुपीज। अब आपको इस चीज को किसमें लिखना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक रैखिक समीकरण, दो चरों वाली रैखिक समीकरण में बनाकर दिखाना है। तो देखो कैसे बनाओगे, यहां पर उसने क्या क्या चीजें ली हैं, पेंसिल ली है और रजिस्टर लिया है, तो आप ऐसे लिख दो, लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, मतलब एक पेंसिल का मूल्य, मान लिया कि एक पेंसिल उसको कितने रुपए की आती है, एक्स की, तो ये हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ वन रजिस्टर, एक रजिस्टर का मूल्य, और उसने एक जो रजिस्टर खरीदा वो कितने का खरीदा, वाई का। तो अब यहां पे हमारे पास दो चीजें थी, इसीलिए हमारे पास दो वेरिएबल बन गए। अब देखो एक पेंसिल आती है एक्स रुपए की, तो तीन पेंसिल कितने की आएंगी, 3x। एक रजिस्टर आता है y का,
तो दो रजिस्टर कितने के आएंगे, 2y, और ये कितने पैसे हो गए, 70। तो ये आपके पास जो ये तैयार हुई, ये देखो इसमें दो वेरिएबल है एक्स वाई, दो वेरिएबल है, इक्वल टू का निशान है, इक्वेशन भी है, पावर दोनों की क्या क्या है, एक है, लीनियर भी है, रैखिक भी है, दो चर भी है, और बराबर का निशान समीकरण भी है। तो यही बन गई आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों वाली रैखिक समीकरण। ठीक है, सभी बच्चों को आया समझ में? तो अब इसी तरीके से बहुत सारी इक्वेशन हम बना सकते हैं। जब भी हम कहीं पर जाते हैं और वहां पे हमने दो चीजें खरीदी, तो बस जब भी आप दो चीजें खरीदते हो वैसे ही आपके पास एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपकी बन जाती है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। सबसे पहले बात आती है इसके फॉर्म की, मतलब ये किस रूप में होती है। ठीक है, तो अभी बताते हैं आपको आगे। तो सबसे पहले है आपके पास इसकी फॉर्म, फॉर्म का मतलब हो गया रूप। तो एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होगी वो इस फॉर्म में होगी, ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहां पे आप याद रखना एक्स और वाई कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो हमारे एक्स और वाई तो जरूर होने ही चाहिए। ठीक है, यहां पे ये दोनों हमारे होते हैं वेरिएबल, जिन्हें आप बोलोगे चर, और जो हमारे ए बी और सी होते हैं ये होते हैं हमारे कांस्टेंट, जिन्हें आप बोलोगे अचर। और इस तरीके से हमारी लीनियर इक्वेशन तैयार होती है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने लिखा 5x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू जीरो, तो ये क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ऐसे मैंने लिख दिया x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू जीरो, ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ऐसे लिख दिया मैंने x माइनस 3x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू जीरो, तो ये सारे हमारे क्या हुई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो सभी बच्चों को समझ में आया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है। ओके जी, तो ये हमारे पास फॉर्म होती है, इस फॉर्म को आपने याद रखना है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम अपनी पहली वाली एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 4.1। तो आप सारे के सारे बच्चे अपनी 4.1 एक्सरसाइज निकाल लो। ठीक है, और देखो क्या है इनके अंदर, कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। तो ये है हमारी एक्सरसाइज 4.1, चैप्टर हमारा 4। ओके, तो शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। हमारे पास एक नोटबुक है और एक हमारे पास पेन है। नोटबुक की जो कीमत है वो पेन की कीमत की क्या है, दुगनी है। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो आपको इस चीज के लिए एक इक्वेशन लिख के दिखानी है लीनियर वेरिएबल। तो देखो यहां पे दो आपको चीजें दिख गई, एक नोटबुक दिख गया और एक आपके पास क्या है, पेन है। तो आप ऐसे करोगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक माना नोटबुक का मूल्य। तो मान लिया नोटबुक हमारा कितने रुपए का आता है, एक्स रुपीस का, और कॉस्ट ऑफ ए पेन, पेन का मूल्य, पेन हमने मान लिया कितने रुपए का आता है हमारा, वाई रुपीस का आता है। ओके, अब आती है बारी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार देखो बेटा ये कह रहा है नोटबुक की जो कीमत है वो पेन की कीमत से डबल है। तो ये आपने लिख दिया नोटबुक और ये लिख दिया आपने पेन, ये नोटबुक है और ये क्या है हमारा, पेन है। जो इसकी कॉस्ट है वो इसकी क्या है, डबल है। तो यहां पे क्या लगा दोगे आप, टू, और यही बन गई आपकी नॉर्मल इक्वेशन। अगर हमारे पास पेन एक रुपए का आता है तो नोटबुक कितने का हो गया, यहां पे वन वैल्यू पुट कर दो, टू वन जा टू, तो देखो डबल हो गई ना।
अगर पेन 2 रुपए का आता है तो नोटबुक कितने का हो जाएगा? 4 का हो गया ना डबल। तो यही हो गई आपकी आपका आंसर। ठीक है, बिल्कुल आसान था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करने के लिए कह रहे हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। मतलब यहां पे हमारे पास 8 सवाल दिए हैं, आप इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में, मैंने जो अभी अभी यहां पे आपको बताई थी ना फॉर्म रूप, तो आपको इन्हें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो की फॉर्म में लिखना है और फिर बताना है कि ए बी और सी की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो कैसे करोगे आप देखो। सबसे पहले हम इसका उठाते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन। ये हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 और इस पे लगा हुआ है बार। जैसा इसने आपको हिंट दे रखी है कि आपको अपनी इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो। तो अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन किसके बराबर है, जीरो के इक्वल है, लेकिन यहां पे तो ये है, तो आप इसे इधर लेकर आएंगे और जब हम ऐसा करते हैं तो कुछ साइन लगते हैं ना, क्या थे वो साइन? अगर प्लस वाली चीज को आप इधर भेज रहे हो तो क्या हो जाएगा, माइनस। मतलब ऐसे समझो, अगर प्लस की चीज इधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी और माइनस की चीज इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ऐसे ही अगर माइनस की वेरिएबल है, कुछ भी चीज आपने इस साइड भेजी तो वो प्लस की हो जाएगी और प्लस वाली चीज इस साइड आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ऐसे ही मल्टीप्लाई को जब आप इस साइड भेजोगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड की चीज जब इस साइड आएगी तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, और डिवाइड को जब उस साइड भेजोगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो अब यही रूल इसमें लगेगा, आप इसे इधर लेकर आ रहे हैं तो ये तो 2x यही है, 3y भी यही है, ये आपका इधर आ गया तो माइनस का 9.35 इक्वल टू जीरो। तो आपने इसे बिल्कुल ऐसे लिख दिया। अब आप क्या करो, कंपेयर इट विद एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसकी तुलना एक्स जमा बी वाई जमा सी बराबर शून्य से करने पर। अब आप इसको कंपेयर करो तो देखो एक्स के साथ क्या है, ए है, यहां पे एक्स के साथ क्या है, टू, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, टू। वाई के साथ क्या है, बी है, यहां पे वाई के साथ क्या है, थ्री, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई, थ्री। बाकी जो बचा वो सी है, तो सी हो गया आपका 9.35 और ये बार हो गया जी आपका आंसर, बिल्कुल सिंपल है। चलो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड वाले क्वेश्चन में दिया है एक्स माइनस का वाई बाय 5 माइनस 10 इक्वल टू जीरो। ये ऑलरेडी ऐसे बना हुआ है तो बस आप क्या करो, ऐसे कर दो, कंपेयर इट विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। जैसे ऊपर लिखा था, इसकी तुलना ए एक्स जमा बी वाई जमा सी बराबर शून्य से करने पर। तो आप कंपेयर करो, एक्स के साथ क्या है, ए है, मगर यहां तो एक्स के साथ कुछ नहीं है। जब एक्स के साथ कुछ नहीं होता तो क्या होता है इसके साथ, वन। तो इसका मतलब ए क्या हो गया आपका, वन। y के साथ b, तो y हटा दो, क्या बचा ऊपर, 1 और ये 5, तो ये b हो गया आपका माइनस का 1/5 और जो बचा वो c, तो c कितना हो गया आपका, माइनस का 10। ठीक है, समझ में आया, सभी बच्चों को आ रहा है समझ में, बिल्कुल आसान है ना। ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को, उससे पहले इसको थोड़ा मिटा दें। तो इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसमें भी हमें लगभग इन सभी 8 क्वेश्चंस में हमें सेम काम करना है, सभी में हमें एबीसी की क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड है आपका -2x प्लस में 3y इक्वल टू क्या है, 6 है। तो क्या करोगे आप, पहले 6 को इधर भेजो, तो ये ऐसे ही है, इसे भी आपने ऐसे लिख दिया और ये इधर आ गया, तो क्या हो गया, -6 इज इक्वल टू 0। अब वही कंपेयर इट विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसकी तुलना ए एक्स प्लस बी वाई
प्लस सी बराबर शून्य से करने पर। तो आप इसका कंपेयर कर दो, तो x के साथ क्या है a, क्या है a की वैल्यू बताओ, माइनस टू बिल्कुल सही, b की वैल्यू 3 बिल्कुल सही, और c की वैल्यू माइनस 6, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं, x इक्वल टू है 3y, तो अब y वाले को इधर लेकर आओ, जब ये प्लस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, क्लियर। अब इसमें बाकी टर्म नहीं है तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इतना ही छोड़ दो। अब वही चीज आप करो, कंपेयर इट विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसकी तुलना ए एक्स जमा बी वाई जमा सी बराबर शून्य से करने पर। तो करो कंपैरिजन, x के साथ कुछ नहीं है तो क्या बोला जाएगा 1 है, b के साथ माइनस 3, y के साथ b होता है तो y वाली टर्म है, अब इसमें बाकी टर्म नहीं है तो वो क्या हो जाएगी आपकी 0, और यही हो गया आपका आंसर। सभी को आ रहा है समझ में, देखो x के साथ कुछ नहीं है लेकिन x तो है, तो यहां पे a की वैल्यू क्या होगी 1, y के साथ b होता है तो b की वैल्यू माइनस 3 हो गई, अब बाकी कुछ नहीं है तो वो हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही फिफ्थ है आपका 2x इक्वल टू माइनस का 5y, तो आप क्या करो इसे आप इधर लेकर आओ, तो 2x प्लस 5y इक्वल टू 0, ठीक है। अब करो इसे इसी से कंपेयर, बिल्कुल इसी से, ऑन कंपेयरिंग तो आप अब क्या कर रहे हो, तुलना करने पर x के साथ a होता है तो a हमारा कितना है 2, b हमारा कितना हो गया 5, और c नहीं है तो क्या हो जाएगा 0, आ गया आपका आंसर। आप चलते हैं सिक्स्थ पे, सिक्स्थ क्या है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है जी। करो कंपेयर, x के साथ a होता है तो यहां पे x के साथ क्या है 3 है तो a की वैल्यू कितनी हो गई 3, y के साथ b होता है मगर इसमें तो y है ही नहीं तो इसलिए b आपका क्या हो जाएगा 0, और जो बचा वो हो गया आपका c, तो c की वैल्यू क्या हो गई 2, और आपका आंसर। अब की बार मैंने शॉर्टकट कर दिया क्योंकि सभी में आपको ये तो लिखना ही है तो आप ये लिख ही लेंगे। इसके बाद चलते हैं अपने सेवंथ वाले पार्ट पे, सेवंथ में है y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो बिल्कुल सिंपल, x के साथ जो होता है उसे a बोलते हैं, इसमें x नहीं है तो a आपका क्या हो गया 0, b y के साथ जो होता है उसको हम b बोलते हैं तो y के साथ कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा 1, और जो बाकी बचा वो आपका c होता है, हो गया जी आपका आंसर। और फिर है आपका लास्ट एट्थ पार्ट, ये है आपका 5 इक्वल टू 2x, तो आप क्या करो सबसे पहले इसको भेज दो, ऐसे कर दो रिवर्स कर दो, तो 2x is equal to क्या हो गया 5, अब इस 5 को भी इधर ले आओ तो 2x minus 5 equal to 0। अब आप क्या करोगे इसमें वही कंपेयर इट विद, आप इसकी तुलना करोगे ax plus by plus c equal to 0 से, इसकी तुलना ए एक्स जमा बी वाई जमा सी बराबर शून्य से करने पर। तो x के साथ क्या है बच्चों 2 है तो a की वैल्यू क्या हो गई 2, b y है नहीं इसके अंदर तो 0, और c की वैल्यू आपकी माइनस 5, और ये हो गया आपका आंसर। तो बच्चों ये थी आपकी पहली एक्सरसाइज आपके चैप्टर नंबर 4 की, जिसमें आपको मैंने बताया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है, दो चरों वाली रैखिक समीकरण क्या होती है, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको कराए, और फिर हमने अपनी एक्सरसाइज करी। एक्सरसाइज पहली में तो आपका जो आपका पहला क्वेश्चन था वो एक वर्ड प्रॉब्लम था, वो उसमें बोल रखा था कि जो हमारा नोटबुक है उसकी जो कोस्ट है वो पेन की कोस्ट से क्या है डबल है ट्वाइस है दुगनी है, तो आप इसको लीनियर इक्वेशन में करके दिखाओ, वो सीखा हमने। और फिर हमें लीनियर इक्वेशन को और अच्छे से समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाया, जहां पे हमें 8 क्वेश्चन दिए
जिसमें हमें क्या करना है, उन इक्वेशनों को उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax plus by plus c equal to 0, इस रूप में लिखकर, इस फॉर्म में लिखकर a b c की वैल्यू निकाल देती है। तो ये हमने 8 के 8 क्वेश्चंस करे। तो आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं, अगली वाली क्लास में मैं आपको 4.2 एक्सरसाइज समझाऊंगा, तब तक आप सारे के सारे बच्चे अपनी 4.1 एक्सरसाइज को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी, ओके बच्चों, बाय।